सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपीएस वंस अगेन। आई होप आई एम प्रॉपरली ऑडिबल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप लोग जो भी आईआईटी जैम 2025 के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हो और आईआईटी जैम आईआईटी में जाना है आपको, उसमें से मैंने सोचा क्यों ना हम लोग थोड़ा थोड़ा करके एक एक दिन डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज जो होते हैं उसके एडमिशन फीस के बारे में बात किया जाए, उसके कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए। कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करने का मतलब ये है कि आपको आगे जाके क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, आप लोगों के सेमिस्टर में कौन से टॉपिक्स रहेंगे और वो आपके इन फ्यूचर जब भी आप लोग हायर स्टडीज करोगे उसमें कितना ज़्यादा इफेक्ट फैल सकता है, कितना ज़्यादा इफेक्ट उसका रहेगा, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट भी रहेगा, वो आप लोग देख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में हमेशा ये चीज़ आएगा कि एडमिशन फीस कैसा रहेगा। सर हमें आईआईटी तो मिल गया, क्या हम लोग आईआईटी अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं, आईआईटी में जाके कितना खर्चा हो सकता है, कितना खर्चा लगेगा पर सेमेस्टर वाइज, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में हमेशा और हमेशा चलते रहते हैं। तो चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। तो अगर मैं आईआईटी बॉम्बे की बात करूँ, ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जो टॉप रैंकर्स होते हैं ऑलमोस्ट सारे ही आईआईटी बॉम्बे को चूज़ करते हैं। तो आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, आईआईटी मद्रास हो गया, आईआईटी कानपुर हो गया, देन आईआईटी खड़गपुर हो गया, आईआईटी गुवाहाटी हो गया, आईआईटी रुड़की हो गया, ये सारे जो ओल्ड आईआईटीज है, इस सारे आईआईटीज में स्पेशली अगर एमएससी की बात करेंगे हम लोग तो एमएससी के लिए ये सारे आईआईटीज बहुत ज़्यादा मतलब पहले के लिस्ट में आएंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे जो नए आईआईटीज है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग धीरे धीरे देखते हैं कि अगर हम लोग आईआईटी बॉम्बे को पकड़ ले तो आईआईटी बॉम्बे का एडमिशन फीस एंड इसका कोर्स स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करके ये चीज़ें लेके आए कि अगर आप लोग सेकेंड ईयर या फिर एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री में एंट्रेंस ले रहे हो तो ये जस्ट पिछले साल मतलब इसी साल का जितने भी स्टूडेंट्स आईआईटी जैम के थ्रू आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन्स लेने वाले हैं उनके लिए ये सारे एकेडमिक फीस होने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास क्या क्या रहेगा, पर्टिकुलरली फी पेएबल जनरल ओबीसी एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिशन फीस क्या रहेगा, टू बी पेड वन टाइम एट द टाइम ऑफ एडमिशन विच इज नॉन रिफंडेबल। तो आपको यहाँ पे एडमिशन फी एंड स्टूडेंट वेलफेयर फंड के हिसाब से आपको 10,000 रुपये पे करना पड़ेगा। उसके साथ पर सेमिस्टर वाइज फीस पेएबल टू बी पेड बाई एवरी सेमिस्टर, ये आपको हर सेमिस्टर में पे करना पड़ेगा। पहला सेमिस्टर में ये वन टाइम फीस है जो 10,000 आपने दे दिया, हर सेमिस्टर में आपको कितना देना पड़ेगा अगर आप जनरल कैंडिडेट या फिर ओबीसी कैंडिडेट हो तो 15,600 देना पड़ेगा, अगर आप एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यू कैटेगरी के होंगे तो आपको 7,300 देना पड़ेगा। मतलब आपका जो ट्यूशन फीस होगा, ट्यूशन फीस बिल्कुल ही वेवर रहेगा, मतलब आपको ट्यूशन फीस देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक रिफंडेबल डिपॉजिट अमाउंट से लोग लेकर रखते हैं जिसको हम लोग रिफंडेबल कहते हैं। तो इंस्टीट्यूट सिक्योरिटी डिपॉजिट्स एज वेल एज लाइब्रेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, तो 6,000 रुपये। तो आप इंस्टीट्यूट में कुछ भी अपरेटस वगैरह यूज़ करो या फिर आप कुछ भी बुक्स वगैरह लोगे उसमें कुछ भी अगर आप कोई भी चीज़ें लॉस्ट हो जाता है, कोई भी चीज़ें ब्रेक हो जाता है, कोई भी चीज़ें गुम हो जाता है तो उसके लिए ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रहेगा यहाँ से आपका पैसा डिडक्ट होगा। तो ये 6,000 रुपये रिफंडेबल है, बट इसमें से आपको रिफंड कम भी हो सकता है अगर आपने सही तरीके से चीज़ों को यूज़ नहीं करते हो, अपने बुक्स वगैरह को सही से अगर ढंग के तरीके से यूज़ नहीं करते हो तो यहाँ से आपका पैसा कट हो जाएगा। तो आपको ग्रैंड टोटल एकेडमिक फीस कितना रह रहा है आपका, तो अगर आप देखोगे तो 31,600 फॉर जनरल कैंडिडेट्स जनरल ओबीसी एंड बाकी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए अगर आप ट्यूशन फीस को हटा देते हो तो आपके पास ये रहेगा। टिल सेकेंड ईयर देयर आफ्टर हैव टू पे फीस एज पर द पीएचडी, ठीक है। तो ये रहेगा आपका, तो स्टूडेंट्स परमिटेड टू टेक टेम्पररी विथड्रॉल फ्रॉम द प्रोग्राम फॉर वन और मोर सेमेस्टर, आर रिक्वायर्ड टू पे ₹3,000। ये सारे एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल पॉइंट्स है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फीस स्ट्रक्चर को रिवाइज करने का ऑब्वियसली आईआईटी बॉम्बे के पास वो राइट्स है, एज वेल एज फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू द हॉस्टल फीस एंड हॉस्टल रूम अलॉटमेंट पेमेंट रिफंड हॉस्टल फीस ईटीसी, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट टू द असिस्टेंट रजिस्टर एचसीयू आईटीबीबी आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। तो ये रहेगा आपका अगर हम लोग एकेडमिक फीस की बात करें तो। उसके साथ साथ आपको सर हॉस्टल में तो रहना है, आपको तो हॉस्टल में एज वेल एज सेमेस्टर में मेस का भी आपको वहाँ पे जाके रहना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, वो तो हमारा एकेडमिक फीस हो गया जनरल ओबीसी एज वेल एज एससी एसटी सब कैंडिडेट्स के लिए। अब यहाँ पे देखिए अगर आप हॉस्टल फीस की बात करोगे ये 2024 बैच के लिए जो करंट टर्म में जो लोग एमएससी करने के लिए जा रहे हैं उनको लिए ये रहेगा कि हॉस्टल फीस एंड सेमेस्टर फीस मेस इन एडवांस में आपको कितना देना होता है ये भी पर सेमेस्टर वाइज आपको देना पड़ेगा। हॉस्टल चार्जेस कितना होगा 8,300 रुपीज, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस रहेगा 4,000 रुपीज, हॉस्टल एमिनिटीज फंड रहेगा 1,900 रुपीज एंड जो हॉस्टल मेस सिक्योरिटी डिपॉजिट ये वन टाइम के लिए आपको देना पड़ेगा पर सेमेस्टर वाइज,
वन सेकेंड, ये पर सेमिस्टर वाइज, ठीक है, तो ये पे रहेगा 3000। सो टोटल हॉस्टल फी कितना हो जाएगा, 17,200 रुपीज टोटल हॉस्टल फी हो जाएगा। उसके साथ साथ पर सेमिस्टर मेस एडवांस फी, ठीक है, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट वन टाइम देना पड़ेगा, तो ये आपके रहेगा 1700 एंड पर सेमिस्टर मेस एडवांस कितना देना पड़ेगा आपको, 27,000 रुपीज। तो टोटल फीस कितना पेएबल होगा अगर आप हॉस्टल एंड सेमिस्टर मेस एडवांस की बात करेंगे, मतलब एक सेमिस्टर में आप 6 महीने का जो सेमिस्टर होगा उसके लिए आपको टोटल यहाँ पे देना पड़ेगा 44,200 रुपीज। इन ये हॉस्टल एज वेल एज खाना पीना, मतलब फूडिंग लॉजिंग जिसको हम लोग कहते हैं, हॉस्टल के साथ खाना पीना ये मिला के हम लोग अगर देखेंगे तो टोटल हमें पेमेंट करना पड़ेगा 44,200 रुपीज। ये हॉस्टल फीस एंड सेमेस्टर फीस है, एंड उसके साथ आप इस अमाउंट को जोड़ लीजिए, ये पर सेमेस्टर वाइज आपको देना पड़ेगा अगर आप आईआईटी बॉम्बे में एमएससी करने के लिए जाते हो तो, सेकेंड ईयर एमएससी के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि आपका एडमिशन फीस कितना होने वाला है। तो ये टोटल एडमिशन फीस होगा, ठीक है, ये आपका टोटल एडमिशन फीस होगा। उसके बाद से अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको एडमिशंस में यहाँ पे थोड़ा सा पैसा कम होता हुआ दिखेगा, लेकिन ये सब के लिए होगा जो लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हो, मतलब न्यू बैच के लिए। आई होप ये क्लियर है। तो उसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा आईआईटी बॉम्बे के केमिस्ट्री ग्रुप को भी देख लेते हैं, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का यहाँ पे मेरे पास लिंक है, तो इस लिंक को मैं अगर कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद मैं अगर ओपन करता हूँ तो ये हमारे पास आईआईटी बॉम्बे का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का प्रोफाइल और यूजर इंटरफेस होगा। तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि प्रोफाइल को भी देखना जरूरी है। आप अगर किसी भी आईआईटीज में जाते हो उस आईआईटीज का प्रोफाइल कैसा है, उस आईआईटी में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है, ये आपके आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ट्रेंडिंग में क्या क्या है, एचओडी कौन है, उसके बाद क्या क्या इवेंट्स एंड सेमिनार्स चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, एज वेल एज रिसेंट पब्लिकेशंस क्या होता है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली जितने भी सारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो एकेडमिक्स है यहाँ से अगर हम लोग एमएससी में जाते हैं तो एमएससी में जाने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये प्रोग्राम डिटेल्स आ जाएगा, एलिजिबिलिटी क्या होगा, स्टूडेंट्स नीड टू क्वालिफाई द जामा एग्जामिनेशन, सी जामा वेबसाइट फॉर डिटेल्स, फर्स्ट ईयर में फैकल्टी एडवाइजर्स कौन कौन रहेंगे, ये सारे हमारे फैकल्टी एडवाइजर्स रहेंगे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में प्रोफेसर राहुल मोहन, प्रोफेसर राजारमन, एंड कोर्सेस कितना रहेगा, 130 टोटल क्रेडिट्स है, उसमें 5 कोर्सेज डिपार्टमेंट इलेक्टिव्स होगा जिसका 30 कोर्स रहेगा। तो टोटल क्रेडिट्स आपको 160 क्रेडिट्स के ऊपर आपका जो मेरिट है वो डिसाइड किया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको पर सेमिस्टर वाइज क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे आप सेमिस्टर में क्लिक करोगे आपके पास कम्प्लीटली ये लिस्ट आ जाएगा कि आपको फर्स्ट सेमिस्टर में कौन से टॉपिक रहने वाला है। ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक रिएक्शन रहने वाला है, केमिकल बॉन्ड एंड मॉलिकुलर जियोमेट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ सॉल्यूशन एंड इंटरफेस, देन एडवांस ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री, उसके साथ साथ आपके पास लैब रहेगा तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब 2, फिजिकल केमिस्ट्री लैब 2, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब 2 एंड एक इलेक्टिव शायद ये रहेगा कंप्यूटर एंड केमिस्ट्री। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे क्रेडिट स्कोर आपको दिखाई दे रहा है 6666, जो भी प्रैक्टिकल्स रहेगा इसके लिए 4, 4, 4, तो टोटल क्रेडिट आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 1,224 एंड यहाँ पे 4,444 मतलब 16, तो टोटल क्रेडिट आपके पास बन जाएगा यहाँ पे 40 क्रेडिट्स, ठीक है, तो 40, 40, 40 इस तरीके से आपको जो है क्रेडिट मिलने वाला है। तो उस हिसाब से आप सर आप एक चीज़ और चीज़ में आप लोगों को दिखा देता हूँ, आपको लगता है कि सर इसमें क्या क्या टॉपिक्स रहने वाला है, जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास कम्प्लीटली सिलेबस ओपन हो जाएगा, तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाया जाएगा और उस टॉपिक्स के रिलेटेड टेक्स्ट क्या क्या आप कौन से बुक को यूज कर सकते हो वो भी आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द वेब पेज, तो इसीलिए आपको पेज विजिट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करेंगे तो ये सारे रिएक्शंस आपको पढ़ना पड़ेगा एंड उसके लिए कौन से हमें बुक्स की जरूरत पड़ेगा वो भी यहाँ पे मेंशन है। समझ में आ रहा है आपको, कितने सारे बुक्स के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग का सिलेबस रहेगा, उसके साथ साथ कौन से बुक्स हमें पढ़ना चाहिए, ये हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का रहेगा, उसके बाद एडवांस ट्रांजिशंस मेटल्स, इसमें आप देख पा रहे हो तो कॉटन विल्किंसन, विकीटर कीटर, ड्रैगो एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, तो ठीक है सेंगेज का ये क्वेश्चन, ये केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हाउसक्राफ्ट, तो ये सब चीज़ें आपको हर सेमिस्टर वाइज आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाफ सेमिस्टर,
थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस रहेगा हाफ सेमेस्टर, उसके साथ साथ मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉलिकुलर एनर्जीज एंड डायनामिक्स, मेन ग्रुप एंड बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड फिर हमारे पास लैब रहेगा। फिर सेमेस्टर वाइज इवन आप लैब में जाओगे तो लैब में आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो भी यहाँ पे सारे चीज़ें मेंशनड है, ठीक है। आई होप आपको प्रॉपरली कोर्स स्ट्रक्चर जो है सब कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपके पास लिस्ट ऑफ इलेक्टिव्स रहेगा, इनमें से आप किसी भी इलेक्टिव्स को चूज कर सकते हो। लेट्स सपोज मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चूज करना है तो आपके पास ऐसे बुक्स ओपन हो जाएंगे और उसके सिलेबस भी ओपन हो जाएंगे। कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, टॉपिक्स, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ये जितने भी सारे इलेक्टिव्स है इनमें से आप किसी को भी चूज कर सकते हो। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट, इसीलिए आपको प्रोफाइल को, अपना जो वेबसाइट है वेबसाइट को विजिट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप इसके साथ थोड़ा सा खेलिए, उसके साथ अगर आप फैकल्टी कौन कौन है, रिटायर्ड फैकल्टी, फॉर्मर फैकल्टी, विजिटिंग, पोस्ट डॉक, स्टाफ, स्टूडेंट, एलमनी, सब आप देख सकते हो। क्या क्या रिसर्च चल रहा है, रिसर्च फैसिलिटीज़ क्या है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितने सारे इंस्ट्रूमेंट है वो भी आपको सारे चीज़ें दिख जाएगा। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स का नाम भी गिवन है, एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर गिवन है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर, एचपीएलसी, एंड सारे चीज़ें आपको यहाँ पे कम्प्लीटली डिटेल्ड में दिखा जाएगा, देख पाओगे आप, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज़, तो इसी तरीके से आपको प्रोफाइल को विजिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा। तो आईआईटी बॉम्बे के जो मेन आपके एडमिशन फीस एंड जो कोर्स स्ट्रक्चर रहेगा इसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे दिया। उसके साथ साथ ऑब्वियसली आपको आईआईटी बॉम्बे चूज़ करना है, आईआईटी दिल्ली चूज़ करना है, कोई भी आईआईटी में आपको जाना है तो फटाफट से आप हमारे चैंपियन बैच में आके जुड़ जाइए। इसमें कूपन कोड आपको यूज करना पड़ेगा IFS30 कूपन कोड, और जो कि स्टार्ट होने वाला है 16 सितंबर, मतलब नेक्स्ट वीक से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक से ये बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग फटाफट से अभी 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 इसमें ज्वाइन हो जाइए। इसके बाद फिर से ऑब्वियसली लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर चलने वाला है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड उसके साथ साथ अगर आपको फ्री ऐप में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस वगैरह चाहिए तो सब कुछ हम लोग अपडेट कर रहे हैं, आप एक बार हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर लीजिए। तो आपको फ्री प्राइम क्लासेस, PYQs, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पेपर एनालिसिस, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम कट ऑफ एंड मेनी मोर, ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिलने वाला है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे देन। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, एंड वीडियो में लाइक जरूर करिएगा। उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए और कौन से इंस्टीट्यूट के बारे में आपको जानना है, और उसके बारे में हम लोग वीडियो लेके आएंगे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।